हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिधिका अवस्थ वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको गाजर का हलवा बनाकर दिखाऊंगी। कई जगह पर गाजर के हलवे को गजरेला भी कहा जाता है। गजरेला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 किलो गाजर ली हैं। इन्हें अच्छे से साफ करके हमने धो लिया है और 2 किलो हमने ताज़ा दूध लिया है। हलवे में डालने के लिए हमने 1 दिन की मलाई ली है और ड्राई फ्रूट्स, देसी घी और शक्कर, ये चीज़ें लेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी यूज़ करेंगे। इसमें हमने मावे का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं हमने गाजर को साफ़ करके अच्छे से धो लिया है और दूध को भी अच्छे से एक बार उबाल लिया है। अब हम गैस ऑन करके दूध को मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। इसे अच्छे से गाढ़ा होने देंगे, जैसे कि खोए वगैरह के लिए दूध को गाढ़ा किया जाता है, उस तरीके से इसे गाढ़ा करेंगे और बीच बीच में दूध को चलाते भी रहेंगे ताकि दूध तले में लगे ना। ये देखिए, मैंने इसमें जो 1 दिन की एक्स्ट्रा मलाई थी वो भी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से साइडों में से लगने नहीं देना है। हल्के हाथ से इसे घुमाते रहेंगे बीच बीच में इस तरीके से। और यहाँ पर हमने गाजर को कसने के लिए एक बड़ी परात ले ली है आटे की। बड़ा बर्तन ले तो उसमें से इजी हो जाता है। और ये हमने घिया कस लिया है। मैं इस वाले साइड से इन्हें कस के रेडी करूँगी। इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से कसेंगे। ये ना ज़्यादा बारीक होंगी ना ज़्यादा मोटी होंगी। इस तरीके से हमने सारे गाजरों को कस लेना है। गैस के एक चूल्हे पर हमारा दूध उबल रहा है और उसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। और गैस के दूसरी साइड हमने कुकर रख लिया है। इसमें हमने जो गाजर को कसा है उन्हें इसमें डालकर अच्छे से 4-5 विसल लगवाएंगे ताकि गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी में पक भी जाएंगी। इससे हमारा हलवा बहुत जल्दी बनकर रेडी भी होगा। हमने कसी हुई गाजर को कुकर में ऐड कर देना है। कुकर के नीचे हमने गैस ऑन कर दिया है और दूध में हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना है क्योंकि दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें इलायची पाउडर डालना है हमने और दूध में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर को पकाने के लिए हमने इसमें 4-5 विसल लगानी है, तो विसल लगाने से पहले इसमें हमने 1 प्याली दूध ऐड कर देना है ताकि हमारी गाजर कुकर के तले में लगे ना। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 4-5 सीटियाँ लगवा लेनी है और दूध को बीच बीच में चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही गाढ़ा होने दें। गाजर में हमने 4-5 सीटियाँ लगवा दी हैं। अब इसका प्रेशर रिलीज होने देंगे और जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा हम इसका ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए, हमारी गाजर अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है इसमें। अब इन सबको हमने दूध में ट्रांसफ़र कर देना है और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए और ये बिल्कुल हलवे के जैसे गाढ़ा दिखने लगेगा। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, नहीं तो ये तले में लग सकता है। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और हलवे में डालने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश, काजू और बादाम लिए हैं। काजू और बादाम को हमने बारीक पीस लेना है मिक्सी में। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, और नारियल का भी चूरा ऐड कर सकते हैं इसमें। हमने काजू बादाम को दरदरा पीस लिया है। दूध को अभी गाढ़ा होने में और भी टाइम लगेगा, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहना है बीच बीच में चलाते हुए। हलवे में डालने के लिए हमने यहाँ पर देसी बूरा ली है, जिसे बारीक शक्कर कह सकते हैं या बारीक चीनी का मिक्सचर भी कह सकते हैं आप। ये हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें तो ज़्यादा ऐड कीजिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसके साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स का बारीक मिक्सचर बनाया है उसे भी ऐड कर देंगे हम, और किशमिश को भी ऐड कर देना है इसके साथ ही, और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है।
अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं, ये देसी घी है। अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो मत डालिए, लेकिन गर्मा गर्मा हलवे में जब आप देसी घी ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और इसे पकने देंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तब तक ये देखिए हमारा हलवा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है। अगर आप ऊपर से ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़े से काजू वगैरह काटकर डाल सकते हैं, थोड़ी सी किशमिश भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर आज आप सबको गाजर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।